आपके किए कार्य सफल होंगे, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। अभी तक कुछ कार्य सफल नहीं हुए, इस कारण आपका मन निराश हो सकता है। उद्योग का ये कार्य सफल नहीं हो रहा है, बच्चों के विवाह का कार्य सफल नहीं हो रहा है, इसलिए मन निराश है, दुखी है। आप ऐसी स्थिति में हो सकते हैं। प्रभु यीशु आपको वचन दे रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरा हर कार्य सफल होगा, मैं उसे सफल करूंगा। ऐसा प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए महीने के पहले हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं। हर महीने परमेश्वर हमें एक वचन देकर, हमारी हिम्मत हौसला बढ़ाकर, उनके वचन उनकी बातों को अपनाकर हम जिए उसके लिए, वह हम पर अनुग्रह करते हैं, उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। इस महीने परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सा आशीर्वाद रखा है, कौन सा वचन रखा है, बड़ी उत्सुकता से आप राह देख रहे हैं। इसके लिए प्रार्थना करके जब मैं परमेश्वर का चेहरा देख रहा था तो प्रभु ने एक वचन विस्तार से मुझे समझाया। एक भजन संहिता उसका 30वां वचन, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसका मतलब है, मेरी संतान जो कार्य करेगी वह सफल होगा, आपके किए कार्य सफल होंगे, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। एक भजन संहिता के बारे में हम सब लोग जानते हैं, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, रात दिन प्रभु का ध्यान करने वाला मनुष्य भाग्यशाली है, वह आशीर्वादित है, वह जो करेगा सफल होगा। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरा हर कार्य सफल होगा। अभी तक कुछ कार्य सफल नहीं हुए, इस कारण आपका मन निराश हो सकता है। प्रभु ने जय दिलाई है, आशीर्वाद भी दिया है, कई भलाइयां भी की हैं, लेकिन ये कार्य सफल नहीं हो रहा है। उद्योग का ये कार्य सफल नहीं हो रहा है, बच्चों के विवाह का कार्य सफल नहीं हो रहा है, घर बनाने का कार्य सफल नहीं हो रहा है, बच्चों का भविष्य जैसा चाहा वैसा नहीं हो रहा है, एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कई कार्य, ऐसा कोई विशेष कार्य सफल नहीं हो रहा है, इसलिए मन निराश है, दुखी है। आप ऐसी स्थिति में हो सकते हैं, मगर प्रभु यीशु आपको वचन दे रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरा हर कार्य सफल होगा, मैं उसे सफल करूंगा, ऐसा प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। उन्हें सफल करने के लिए क्या करना होगा ये भी समझा रहे हैं। मन को ज्यादा असमंजस में न डालें, बस एक ही काम है, यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहकर रात दिन जो मनुष्य उसका ध्यान करेगा उसका हर कार्य सफल होगा। ये बाइबल का वचन है, परमेश्वर ने हमें लिख कर दिया है ना। इन वचनों का आपको रात दिन ध्यान करना होगा, उसके लिए वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, विश्वास से प्राप्त करें और उसका अनुसरण करें। ऐसा करेंगे तो आपका हर कार्य सफल होगा, ऐसा प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। एक बार एक युवा भाई मुझसे मिलने के लिए आया। क्या बात है भाई, जब मैंने उससे पूछा तो कहा, मैं इस गांव में रहता हूँ, मेरे माँ बाप बहुत ही साधारण परिवार से हैं, उन्होंने कुछ जमा किया हुआ पैसा देकर मुझसे कहा, बेटे इन पैसों से तू कुछ व्यापार शुरू कर ले, अपने भविष्य का रास्ता तय कर ले, ऐसा कहा। उसके लिए एक खास शहर में मैं जा रहा हूँ, वहाँ एक छोटा सा धंधा शुरू करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कहा, लेकिन जाने से पहले आपसे प्रार्थना कराने के लिए आया हूँ, ऐसा उसने कहा। युवा लड़का बहुत भक्तिवान, यीशु पर विश्वास रखने वाला युवक, माता पिता से प्रेम रखने वाला युवक, अपने भविष्य के लिए एक उत्सुकता रखने वाला युवक। तो उस भाई को देखकर मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारा हर कार्य प्रभु आशीष देकर सफल करेंगे, लेकिन एक सलाह है, उसके अनुसार तुम कार्य करना। ठीक है, बताइए आप क्या करना है, मैं करूंगा, उसने कहा। ये पवित्र शास्त्र अपने हाथों में लेकर जा और सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले बाइबल के वचन पढ़कर ध्यान करके प्रार्थना करना। बाइबल पढ़ के प्रार्थना किए बिना तुम घर से बाहर मत जाना।
पवित्र शास्त्र पढ़ के ध्यान करके जाने के लिए वचन दिया है कि हर कार्य सफल होगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा बोलकर स्वयं को समर्पित करके वो गया। और कुछ सालों के बाद जब मैं एक शहर में सेवकाई के लिए गया हुआ था तो एक बहुत बड़ी सभा, उसमें वहां के व्यापारी लोग जमा थे, व्यापार के विषय में एक बड़ी सभा आयोजित की हुई थी। तो वहां पहले दिन जब मैं प्रार्थना के लिए गया तो वहां व्यापारियों की सभा में ये भाई भी बैठा हुआ था। तब उसने बताया कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी, छोटा सा बिजनेस शुरू किया और आज प्रभु ने आशीर्वाद देकर उसे और फैलाया, मेरे काम को सफल करके आज इन बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मुझे भी बैठाया, ऐसा उसने कहा। तो प्रभु को देखा, आशीष देकर, सफलता देकर, उन्नति बनाया, प्रभु ने उसके हर कार्य को सफल किया। आपके जीवन में आज नुकसान हो रहा होगा, रुकावटें होंगी, कई दुख होंगे, क्यों? जरा सोच कर देखें, भक्तिवान हैं, चर्च भी जाते हैं, भेंट भी चढ़ाते हैं, इतना काफी नहीं है। उनके वचनों का आपको ध्यान करना होगा, वचनों का ध्यान करने के लिए समय देना होगा, उसके बाद प्रभु आपके कार्यों को सफल करेंगे, ऐसा वचन दे रहे हैं। इंग्लैंड देश में जॉर्ज मुल्लर नाम का एक प्रभु जन था। एंग्लो ब्रिस्टल नाम का एक शहर है जो कि लंदन से थोड़ी दूरी पर है, उस शहर में वो रहते थे। और उन दिनों में वो हजारों की संख्या में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाकर उनका पालन पोषण किया करते थे। हजारों की संख्या में बच्चे, युद्ध में जो बच्चे अपने माँ बाप खो देते हैं, उन अनाथ बच्चों को वहां रखकर पालन पोषण करते थे। और जाकर किसी से भी बच्चों के पालन पोषण के लिए सहायता करो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं पूछा। केवल प्रभु से प्रार्थना में मांगते, यहोवा के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य किया करते थे, इसलिए वो यहोवा से जुड़े थे और उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास, उन्हें विश्वासी योद्धा भी कहा जाता था। आश्रम में हजारों की संख्या में बच्चे हैं, उनके लिए खाना पीना, कपड़े वगैरह, पढ़ाना लिखाना सब उनकी जिम्मेदारी थी। एक दिन रात के समय वहां पर बच्चों के खाने पीने की देखभाल करने वाले एक सेवक ने आकर कहा कि कल सुबह बच्चों के लिए नाश्ता नहीं है, दूध और ब्रेड दोनों नहीं है, सब खत्म हो गया है, ऐसा उसने कहा। प्रभु सब संभाल लेंगे, ऐसा बोलकर रात में ही जाकर उसने प्रार्थना की। और अगले दिन सुबह हो गई, उसने कहा सब बच्चों को बुलाओ, डाइनिंग टेबल पर बिठाओ, सबके आगे प्लेट वगैरह लगा दो, ब्रेड नहीं है, बच्चों को कहां से लाके खिलाएंगे, वो सब प्रभु संभाल लेंगे। उनके अंदर इतना विश्वास, सब लोग प्रभु की स्तुति करके, प्रार्थना करके ही खाया करते। उन्होंने कहा कि स्तुति का गीत गाओ, सारे बच्चे खड़े होकर स्तुति करने लगे। वहां डाइनिंग हॉल में जितने लोग थे, खाना बनाने वाले जो लोग थे, उन सब का दिल जोर से धड़क रहा था कि क्या करें, बच्चे स्तुति करने के बाद खाना मांगेंगे, कहां से देंगे, खाना तो है नहीं। तो जब वो गीत गा रहे थे, उसी समय एक बड़ी वैन आके खड़ी हुई और वो पूछ रहे हैं कि इस आश्रम का जिम्मेदार आदमी कौन है। तो ये जाके पूछते हैं क्या बात है, तो कहा कि ये हमारे जो मालिक हैं, उनकी ब्रेड की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी बेकरी रखी हुई है, उन्होंने आज सुबह सुबह बहुत सारी मात्रा में ब्रेड वगैरह बनाकर इस वैन में भरकर हमें कहा गया कि इस तरह से एक आश्रम है, वहां पर देकर आ जाओ, इसलिए हम लेकर आए हैं। उन्होंने कभी इसे देखा भी नहीं था, कभी कोई मुलाकात भी नहीं हुई, जानते ही नहीं थे। और उसने वैन में इतनी सारी ब्रेड लाकर वहां पर रख दी, सारे बच्चों की प्लेट में ब्रेड रख दी गई, बच्चों ने खाना शुरू कर दिया, दूध के लिए वहां ग्लास वगैरह भी रख दिया गया, लेकिन दूध नहीं है, बच्चों को ब्रेड खाने दो, तब तक दूध भी आ जाएगा। वो ब्रेड खा रहे थे तभी एक आदमी आता है, वो कहता यहाँ के जिम्मेदार आदमी कौन है, तो ये पूछता क्या बात है, मैं दरअसल एक दूसरे शहर में दूध भरकर एक वैन में ले जा रहा था, तभी अचानक से टायर पंक्चर हो गया और वैन वहीं खड़ी हो गई। अब इसमें से सारा दूध निकालने के बाद ही गाड़ी रिपेयर हो पाएगी, इसलिए ये सारा दूध खाली करना है, क्या करूं ये सोच रहा था, तो यहाँ आश्रम का नाम लिखा हुआ था इसलिए अंदर आ गया, ये सारा दूध आप ले लोगे क्या, ऐसा उसने पूछा। इस तरह से दूध आ गया, सारे बच्चों को दूध दे दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से हर एक दिन इसी तरह से कोई ना कोई चमत्कार होता है और इन सारे चमत्कारों के विषय में उनकी किताब में लिखा गया है। इस तरह से उनके अंदर एक विश्वास और उससे इतने बड़े कार्य सिद्ध होते रहे, तो ये कैसे हुआ,
बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कैसे ये सब हुआ। जब देखा तो जॉर्ज मुलर के जीवन में क्या हुआ, जब पढ़ा तो उन्होंने पवित्र शास्त्र को कम से कम 200 बार पढ़कर खत्म किया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 200 बार पढ़ के खत्म कर चुके। उसमें भी 100 बार घुटनों पे खड़े रहकर उन्होंने पढ़ा है। इन सारे वचनों को इतनी ज्यादा उनमें चाह, ये पढ़ पढ़ के प्रभु के ऊपर प्रेम और विश्वास बढ़ता गया। उनके इस दृढ़ विश्वास का कारण है परमेश्वर के वचन। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इस प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं। मैं इस जगह गया था जहाँ पर ये अनाथ आश्रम था, और आज जहाँ पर ये आश्रम था उस भवन में एक तरफ स्कूल चलता है और दूसरी तरफ कॉलेज भी चल रहा है। तो कितना बड़ा भवन होगा, कितने हजार बच्चों का पालन पोषण किया होगा, सोच कर देखें। मैं उस कैंपस को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। करीब 7 साल पहले इतने भव्य भवन में इतने हजार बच्चों का उन्होंने पालन पोषण किया, ये मैंने देखा। वहाँ उनका दफ्तर है और जहाँ वो रहे, भले ही आज वो जीवित नहीं है, लेकिन उनके नाम से बहुत कुछ है। वहाँ एक बक्सा है और उस बक्से में जो उन्होंने पवित्र शास्त्र पढ़ा वो किताब रखी है। शीशे का बक्सा भी रखा हुआ था। मैंने देखा वहाँ अंग्रेजी पवित्र शास्त्र में अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा है। वो सब देखकर मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी हरकत हुई, जैसे अग्नि शरीर में प्रवेश हुई हो। यहोवा के वचन, उन्होंने उसे पढ़ा, उससे प्रेम किया, वचनों पर विश्वास रखकर ही वो प्रभु से जुड़े। उनका किया हर कार्य सफल हुआ। कारण है प्रभु के वचन। मेरे प्रिय मित्रों, आप अपने जीवन के बारे में सोच कर देखें। इस वचन को लेकर आपके मन में कितनी चाह है, किस हद तक लगाव है, जरा सोच कर देखें। कर्तव्य के लिए बाइबल पढ़ते हैं, कर्तव्य के लिए रविवार को चर्च जाकर, वो भी चर्च जाते समय हाथ में बाइबल लेकर नहीं जाते हैं। पूछने पर कहते हैं कि सेलफोन में बाइबल है, और ये सब हमारे जीवन के आशीर्वाद के लिए रुकावटें बन गई हैं। मेरे प्रिय मित्रों, एक बहुत अच्छा विश्वासी, प्रभु से प्रेम रखने वाला भाई प्रभु पर बहुत ही प्रेम रखता है, वो एकदम से बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, कई दिन अस्पताल में ही रहा, काफी पैसा खर्च करके ट्रीटमेंट कराया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने कह दिया, हमसे जितना हो सकता था हम लोगों ने किया, अब इसके बाद प्रभु ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया। वो पवित्र शास्त्र अपने तकिए के नीचे रखता था। तमिलनाडु के एक अस्पताल में उस भाई को भर्ती कराया गया था। रोज सुबह उठकर बाइबल पढ़ता था, प्रभु की स्तुति करता, प्रार्थना करता, ऐसा एक विश्वास। एक दिन सुबह जब वो बाइबल पढ़ रहा था, उस समय भजन संहिता 118 उसका 17वां और 18वां वचन वो पढ़ रहा था। उसके द्वारा प्रभु उससे बात कर रहे हैं, ऐसा उसे आभास हुआ। वो वचन देखिए, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब बचना मुश्किल है, बिल्कुल मृत्यु की परिस्थिति है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, मैं मरूंगा नहीं, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। इस वचन ने उससे बात की, इसलिए इन दोनों वचनों को बोल बोल कर उसने स्तुति की। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मैं मरूंगा नहीं, इस तरह से इन वचनों को बोल कर स्तुति करने लगा। इन वचनों में एक सामर्थ्य है, हमें चंगा करने का सामर्थ्य इन बाइबल के वचनों में है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें चंगा करते हैं, ये हम बाइबल में देखते हैं। इन वचनों को बोल बोल कर जब उसने स्तुति की, धीरे धीरे बीमारी ठीक होने लगी और पूरी तरह से उसने चंगाई पाई और घर लौट आया। तो ये चंगाई कैसे मिली? परमेश्वर के वचन। ये वचन बहुत बड़ी औषधि है, बहुत अच्छी दवाई है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। आपके हृदय रोग को ठीक करने की दवाई, आपकी बीमारियां ठीक करने की दवाई, आपके मन से आत्माओं का डर दूर करने की दवाई। इतना ही नहीं, इनका ध्यान करने से आपके कार्य सफल होंगे, आप जो काम करना चाहते हैं उसमें जय मिलेगी। इसलिए यहोवा के जो ये वचन हैं, इनसे कैसे इतने बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं? इब्रानियों 4:12 का 12वां वचन कहता है कि परमेश्वर के ये वचन जीवित और प्रबल हैं, इन वचनों में प्राण है,
वो हमसे बात करते हैं, उनमें एक सामर्थ्य है, हमें पवित्र करते हैं, हमें चंगा करते हैं, हमें सांत्वना देकर मार्गदर्शन करते हैं। ये वचन इतने सामर्थ्यशाली हैं, इसीलिए रात और दिन यहोवा के वचनों का ध्यान करने वाला मनुष्य भाग्यवान है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस बाइबल से आप प्रेम करें। ये यहोवा की बातें हैं, यहोवा के वचन हैं। मैं जितना यीशु को चाहता हूँ उतना ही बाइबल और बाइबल के वचनों को चाहता हूँ, क्योंकि वचन उन्हीं के हैं, उन्हीं से वचन है, उनसे प्रेम करना है। उसके बाद पढ़ें, उसके लिए टाइम निकाल कर सुबह सवेरे जल्दी उठकर सबसे पहले प्रभु की स्तुति करके वचनों को पढ़कर ध्यान करें, प्रेम करें, वचनों को पढ़ें, फिर ध्यान करें, उन पर विश्वास करें और पढ़कर प्रार्थना करें, उसका पूर्ण आदर करें। ऐसा करके देखें, आपका हर कार्य सफल होगा। यही तो रहस्य है। मैंने अपने सेवा कार्य में कितने ही कार्य जिन्हें यहोवा ने सफल करके आगे चलाया। कारण है ये बाइबल के वचन। इन वचनों का पढ़कर, ध्यान करके, प्रार्थना करके जब आदर करते हैं तो यहोवा सफलता दिलाते हैं। एक भाई जो कि मसीही नहीं था, वो भाई हाल फिलहाल में ही उसने यीशु को स्वीकारा। वो जब मुझसे मिला तो उसने बताया, आप जो कहते हैं ना ये बाइबल के वचन, इनसे प्रभु बात करते हैं और प्रभु के ये जो वचन हैं इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसे वचन मैंने कभी पढ़े ही नहीं। इसलिए मैंने पवित्र शास्त्र खरीद कर जब पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मैं निरंतर पढ़ने लगा। सिर्फ 5 दिनों में मैंने ये बाइबल पूरी तरह से पढ़ के खत्म कर दी। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ 5 दिन में पढ़ के पूरा कर दिया, ऐसा उसने कहा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, सिर्फ 5 दिनों में कैसे 5 दिन में ही पूरा पढ़ के खत्म किया। तो उसने बताया कि मैंने सारे काम छोड़कर रात दिन लगातार पढ़ के मैंने पूरा पढ़ लिया, क्योंकि मैं बाइबल को समझना चाहता था, इसलिए 5 दिन में ही पूरा पढ़ के खत्म कर दिया, कहा। मेरे प्रिय मित्रों, उसमें बाइबल पढ़ने की कितनी चाहत ही देखा। आज 1 दिन में 1 अध्याय भी पढ़े बिना आप कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे? प्रभु ने लिखकर जो हमारे हाथों में पवित्र शास्त्र दिया है, तो यहोवा के वचनों को प्रेम से पढ़ना चाहिए ना। सोच कर देखें, कोई ना कोई पाप, कोई पाप की बीमारी आपके अंदर आ गई है, जैसे आंखों की हवस, शरीर की हवस, सेलफोन के द्वारा, वो भी काम करने की जगह पर। जब ये पाप आ जाता है तो तुम्हारी आत्मा बीमार पड़ने के कारण यहोवा के वचनों को पढ़ने की इच्छा नहीं जागती है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो यहोवा के वचनों की तरफ आपका लगाव बढ़ता रहेगा। तो प्रभु के समक्ष अपने पापों से मन फिराकर यीशु के लहू से शुद्धिकरण पा लेंगे तो आपकी आत्मा चंगी हो जाएगी। तब वचनों पर लगाव और इच्छा आपकी बढ़ेगी। ये जो लगाव है, जब लगन के साथ आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बड़ा आशीर्वाद लेकर आएंगे। अब देखिए, मैं रोजाना सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले प्रभु की स्तुति करता हूँ। सुबह के 2 घंटे मैं प्रभु को देता हूँ, ये मेरी आदत बनी हुई है। कभी कभी ये समय ज्यादा और कम भी हो जाता है, लेकिन कम से कम 2 घंटे प्रभु को देने हैं ऐसा मानकर समर्पित होता हूँ। प्रभु कृपा करके उसके लिए मेरी सहायता करते हैं। और शाम के समय भी कई बार 1 घंटे तक या उससे ज्यादा प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करने में सहायता करते हैं। लेकिन सुबह भोर के समय वचनों का ध्यान करता हूँ और फिर प्रभु की स्तुति करने के बाद प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करने से पहले वचनों का ध्यान करता हूँ। ज्यादातर घुटनों पर खड़े रहकर ध्यान करता हूँ, कभी कभी बैठ के प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मुझे अपने घुटनों पर खड़े रहकर प्रार्थना करने से बड़े आशीर्वाद का आभास होता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरी आदत है उत्पत्ति से 1-1 अध्याय में पढ़ता चला जाता हूँ। 1 दिन में 4 अध्याय पढ़ने हैं, 5 अध्याय पढ़ने हैं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मेरे साथ प्रभु बात करें इस वचन के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रार्थना में जब मैं उस वचन को पढ़ता हूँ तब वहाँ कोई नहीं होना चाहिए। वहाँ कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखते हुए बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। प्रार्थना के लिए अकेले बिना किसी डिस्टर्बेंस के प्रभु के समक्ष बैठकर वचनों का ध्यान करें। इसलिए जब आप बाइबल के वचनों का ध्यान करते हैं तब किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु वचन द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं। तभी आपको आभास होगा कि प्रभु बात कर रहे हैं। मैं ऐसे ही अकेले प्रभु के समूह में बैठकर प्रार्थना के साथ पढ़ता हूँ। सबसे पहले इसके लिए स्तुति करके प्रार्थना करता हूँ।
पढ़ते पढ़ते एकदम से चौथा वचन या पांचवा छठा वचन जैसे ही पढ़ता रहता हूँ तो पवित्र आत्मा वो कहता है कि स्टॉप, रुकने के लिए कहता है। बस फिर उसके बाद नहीं पढ़ता हूँ, उस वचन को दोबारा पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, फिर जोर से पढ़ता हूँ, कानों को सुनाई दे वैसे जोर से पढ़ता हूँ। मैं जान जाता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात करना चाह रहे हैं। उस वचन को पढ़ के प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस वचन के द्वारा तुम मुझसे बात करना चाहते हो, प्रभु मुझसे बात करें। हर दिन प्रभु प्रतिज्ञा और वचन नहीं देते हैं, हम हमेशा बाइबल खोलते ही प्रतिज्ञा कहाँ है, प्रतिज्ञा कहाँ है खोजते हैं। ये गलत है, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारे पापों का आभास करा के उन्हें शुद्ध करते हैं। इसीलिए यूहन्ना 17:17 में यीशु कह रहे हैं, हे पिता अपने सत्य से मेरे चेलों को पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इस वचन द्वारा ही परमेश्वर हमें पवित्र करते हैं। तो इस वचन द्वारा जब हमारी गलती और कमी का आभास कराते हैं तो ये वचन बोलकर प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा मुझ में बहुत कमियां हैं, मुझे क्षमा करो, मुझे पवित्र करो। तब ये वचन मन की गहराई में बैठेगा और उस पूरे दिन वो वचन बात करता रहेगा और उस पूरे दिन आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन कई बार वो एक तरह का मार्गदर्शन करता है, ये ऐसे कर वैसे कर ऐसे समझाता है, और कई बार परमेश्वर की ओर से एक सलाह होती है कि ये कार्य तुझे इस तरह से करना है, ऐसी सलाह होती है, और कई बार एक प्रतिज्ञा होती है। लेकिन हर दिन प्रतिज्ञा की खोज में नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें स्थान दें। इस प्रकार जब आप ध्यान करेंगे तो प्रभु विस्तार से बात करके कभी कभी गलती का आभास कराएंगे और कभी कभी वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और कभी आपको वो प्रतिज्ञा देंगे और कभी कभी वो आपको सांत्वना देंगे। क्योंकि इस वचन की ये विशेषता है, भजन संहिता 119 के 92 वचन में, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता, ऐसा एक भक्त ने कहा है। तो हमें सांत्वना देने का सामर्थ्य इन वचनों में है। परमेश्वर सांत्वना देंगे, युवा अपना मार्ग कैसे पवित्र करेगा इन वचनों के द्वारा प्रतीक्षा करने से ही ना, तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं। इतना ही नहीं, भजन संहिता 119 के 105वें वचन में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, एक सही सही मार्ग ये हमें दिखाता है। इसलिए ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोजाना इन वचनों को निरंतर पढ़ के इनका ध्यान करें, विश्वास के साथ इसे रखकर प्रार्थना करें, आदर करें, ये जरूरी है। आखिर में एक वचन देखें, यहोशू 1 उसका 8वां वचन देखें। उस वचन में क्या कहा गया है, प्रभु ने जब यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, इसमें लिखे अनुसार करने के लिए हमें समर्पित होना होगा। मैंने बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर लिया, अब आशीर्वाद मिलेगा, पढ़कर विश्वास रख के अनुसरण करना है, उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। प्रभु कह रहे हैं यहोशू दिन रात इन वचनों पर ध्यान दिए रहना, इसके अनुसार करने में चौकसी बरतना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे हर काम सफल होंगे, यानी कार्य सफल होंगे, तेरे हर कार्य में जय मिलेगी, रुकावट के बिना सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तेरे कार्य में व्यवहार में एक परिवर्तन आएगा, लोगों को आश्चर्य होगा, साथ में काम करने वाले या व्यापार करने वाले वो लोग कहेंगे तुझमें इतनी बुद्धि कहाँ से आई, कैसे ये सब कर रहा है, ये बाइबल का वचन देता है। इसलिए आज ही कहें, प्रभु मैं इन बाइबल के वचनों से प्रेम रखता हूँ, रोजाना पढ़ूंगा, अनुसरण के लिए मेल मिलाप करता हूँ, रात दिन इसका ध्यान करने के लिए मेरी सहायता करो, ऐसा कहें आपका कार्य सफल होगा। जब आराधनालय जाएं या सभा में जाएं तो अपने हाथ में बाइबल लेकर जाएं। सुसमाचार के समय बाइबल आपके हाथ में हो। कुछ कहते हैं कि मेरे मोबाइल में बाइबल है, ऐसा ना कहें। मोबाइल में केवल बाइबल ही नहीं है, कितने गंदे और अन्याय वाले शैतान के कार्य मोबाइल के अंदर होते हैं, लेकिन बाइबल की पुस्तक में सिर्फ यहोवा के वचन, यहाँ पवित्र बाइबल लिखा है ना, सिर्फ वही होगा। इसलिए जब ट्रैवलिंग करते हैं, सफर करते समय पढ़ने के लिए मोबाइल में जो बाइबल है पढ़ सकते हैं, चर्च जाते समय या मसीह की सभा में अपने हाथ में
इस तरह की बाइबल की पुस्तक हाथ में लेकर जाएं, ऐसी बाइंडिंग वाली बाइबल की पुस्तक से ही सुसमाचार का प्रचार करें। मेहरबानी करके ये बात समझ लें। ठीक है, अब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के वचन अनुसार। आपके जीवन में किसी एक कार्य में रुकावट है ना, परमेश्वर उसे सफल करने जा रहे हैं। विश्वास रखें, प्रभु आज से मैं तुम्हारे वचन पढ़ूंगा, ध्यान करूंगा, उसके लिए मेल मिलाप करता हूँ, मेरे कार्य सफल करो। ऐसी प्रार्थना करेंगे। कौन से कार्य हैं उन्हें मन ही मन कहें, आंखें मूंद ले, हम प्रार्थना करें। परमपिता, तुमने जो हमें पवित्र शास्त्र के वचन लिखकर दिए उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। इस बाइबल की पुस्तक के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, धन्य कहते हैं। इसमें जो तुम्हारे वचन है हम उस पर विश्वास रखते हैं। प्रभु, इन वचनों का अनुसरण करने के लिए मैं मेल मिलाप करता हूँ। इन वचनों को पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए, विश्वास करने के लिए, अनुसरण करके उस मार्ग पर चलने के लिए मैं समर्पित होता हूँ। ऐसे जो भी मेल मिलाप करके प्रार्थना कर रहे हैं, उन बेटों के लिए, बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, उनके हर कार्य सफल होंगे, ऐसा तुमने वचन दिया है। इस बेटे के कार्यों को तुम सफल कर रहे हो प्रभु, इस बेटी के कार्यों को तुम सफल कर रहे हो प्रभु। तुम्हारे वचनों को पढ़कर ध्यान करने के लिए समर्पित हुए, इसलिए इस महीने में जिन कार्यों में रुकावटें आई हैं वो कार्य सफल हों। प्रभु, तुम रुकावटें दूर करके, कार्य सफल करके जय दिलाकर इन्हें आशीर्वाद दो। इनके बच्चों के कार्यों को तुम सफल कर रहे हो, पढ़ाई के कार्यों को तुम सफल कर रहे हो, नौकरी के कार्य को सफल कर रहे हो, उद्योग के कार्यों को सफल कर रहे हो, घर बनाने के कार्य को तुम सफल कर रहे हो, संतान सुख के लिए आशीर्वाद दे रहे हो, इन्हें अपने जीवन में जिन भलाइयों की अपेक्षा है उन्हें पूरा कर रहे हो। तुम रुकावट दूर करके, सफल करके जय दिलाने वाले परमेश्वर हो, ये प्रकट करो। तुम्हारे वचन अनुसार वचनों को प्रथम स्थान देने के लिए समर्पित हुए, इसलिए नासरी यीशु के नाम से रुकावटें दूर हों, कार्य सफल हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु, आज से ही परिवर्तन आना चाहिए, आज से ही नए मार्ग खुलने चाहिए। ये अपनी चंगाई के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उसे सफल कर दो। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो भी ये प्रयास करते हैं उन्हें सफल करके इन्हें आशीर्वाद दो। कर्ज की समस्या दूर करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो सफल करके इन्हें कर्ज की समस्या से छुटकारा दिलाओ। ये जो कुछ भी लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए जो प्रयास करते हैं उसे सफल कर दो। रुकावटें दूर हों, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इनकी नौकरी के कार्य, पढ़ाई के कार्य, उद्योग के कार्यों के लिए ये जो भी प्रयास करते हैं यीशु के नाम से वो सफल हों। रुकावटें दूर करके, कार्य सफल करके आशीर्वाद दो। जिस कार्य की सफलता के लिए ये बेटा और बेटी प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उस कार्य में सफलता मिले। तुम अपने दिए वचन अनुसार कार्य सफल कर रहे हो। इन बच्चों ने तुम्हारे वचनों से मेल मिलाप किया है, इसलिए तुम्हारे वचन अनुसार जीने के लिए मेल मिलाप किया है। तुम अपने वचन अनुसार अवश्य इन्हें सफल करके आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। मैं विश्वास करता हूँ तुमने चमत्कार कर दिया, रुकावटें दूर कर दी, नए मार्ग खोल दिए। तुम्हारे बच्चों के कार्य सफल हो रहे हैं, उससे वो आनंदित होने वाले हैं। विश्वास से हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, धन्य कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय मित्रों, ये बाइबल के वचन रोजाना प्रभु के समक्ष रखकर, उनके समूह में याद दिलाकर, तुम कार्य सफल करने वाले परमेश्वर हो, मेरे लिए जो रुकावट थी उन्हें मेरे जीवन से तुमने दूर कर दी है, अब तुम्हारे ये वचन मैं रोजाना ध्यान से पढ़ूंगा और ध्यान करके उसके अनुसार मैं कार्य करूं, वैसी मुझ पर कृपा करो कहकर रोजाना प्रार्थना करें। कार्य सफल होंगे, आप चमत्कार देखेंगे, रुकावट दूर होगी, आपको जय मिलेगी। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 0443545455. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.